आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 55, संत पौलुस और रोमियो का पत्र। रोमियो के पत्र के 16 अध्याय है और संत पौलुस और उनके पत्रों के अध्ययन के समय मैं 8 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले संत पौलुस और उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय, दूसरा रोमियों के पत्र की प्रस्तावना, तीसरा रोमियों के पत्र का लेखक, चौथा पत्र का रचनाकाल, पांचवा रोमियों के पत्र में क्रिस्त, छठवा पत्र के मुख्य शब्द आयते और अध्याय, सातवां पत्र का सर्वेक्षण और आठवां रोमियो के पत्र की मुख्य शिक्षा। तो सबसे पहले हम संत पौलुस और उनके जीवन का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। प्रभु ईसा मसीह के बाद संत पौलुस नए विधान के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। नए विधान की 27 किताबों में 13 किताबों में संत पौलुस का नाम है। संत पौलुस के बारे में हमें जो भी ज्ञान प्राप्त है वह हमें इन किताबों से और प्रेरित चरित्र अध्याय 9 से 28 तक में मिला है। पौलुस का यहूदी नाम था साउल, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 9। उनका जन्म ईसवी 1 और 10 के बीच तरसूस में हुआ था, जो एशिया माइनर अर्थात वर्तमान में तुर्की के सिलीसिया प्रांत का एक बड़ा एवं समृद्ध नगर था। वे बेनियामीन वंश के इसराइली थे। संहिता के पालन की दृष्टि में वे फरीसी थे। वे संभवतः सुशिक्षित थे और यरूशलेम के महान धर्मगुरु गमालियल का शिष्य थे, प्रेरित चरित्र अध्याय 22 वाक्य संख्या 3। ईसा से उनके साक्षात्कार के पहले सौल ईसाइयों पर घोर अत्याचार करते थे, किंतु दमिश्क के निकट ईसा के दर्शन होने के बाद वे 25 वर्ष की अवस्था में ईसाई धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने यहूदियों एवं गैर यहूदियों में दमिश्क, अंताकिया, कुप्रोस, एशिया माइनर, मकेदुनिया, यूनान, रोम तथा रोम के प्रथम कारावास के बाद संभवतः स्पेन में भी सुसमाचार का सफल प्रचार किया। इतिहास इसका साक्षी है कि ईसाई धर्म को शीघ्र ही रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय मुख्य रूप से संत पौलुस को दिया जाना चाहिए। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार संत पौलुस लगभग 55 वर्ष की उम्र में रोम के द्वितीय कारावास के अंत में वहीं शहीद हो गए। रोम में पौलुस के कारावास के साथ प्रेरित चरित्र अंत होता है। वे उन सबों को सुसमाचार सुनाते थे जो उनसे मिलने के लिए कारावास गए थे। नया विधान पौलुस के जीवन के अंत के बारे में मौन है। परंपरा के अनुसार सम्राट नेरो के समय रोम में जो अत्याचार हुआ था उस समय पौलुस भी मारे गए। अनुमान किया गया है कि उनकी शहादत 67 ईस्वी में हुई। संत टर्टुलियन के अनुसार पौलुस के गर्दन को काटकर उनकी हत्या की गई थी। संत पौलुस के पत्रों से पता चलता है कि उनके अथक परिश्रम का प्रेरणा स्रोत प्रभु ईसा मसीह की अनन्य भक्ति थी। वे कहते थे, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति, फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 22। भक्ति और धर्मोत्साह के अतिरिक्त पौलुस के व्यक्तित्व की एक और विशेषता
ईसाई धर्म के विषय में उनका मौलिक चिंतन है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संत योहन और संत पौलुस की रचनाएं ईसाई धर्म विज्ञान की नींव है। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, रोमियों के नाम पत्र की प्रस्तावना। यह पत्र पौलुस की सबसे महान रचना और सबसे लंबा पत्र है। रोम में संभवतः यहूदी क्रिस्तियों के द्वारा कलीसिया की स्थापना लगभग 40 ईस्वी में हो चुकी थी। जब पौलुस ने लगभग 57 ईस्वी में पत्र लिखा, रोम के अधिकांश विश्वासी गैर यहूदी क्रिस्तीय थे। सुसमाचार यीशु की शिक्षा और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं, जबकि रोमियों का पत्र यीशु की बलिदान रूपी मृत्यु पर प्रकाश डालता है। पौलुस यीशु को दूसरे आदम के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसकी धार्मिकता और आत्म बलिदान उन सबको मुक्ति देते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, रोमियों के पत्र का लेखक। पत्र के प्रारंभ में लिखा गया है, यह पत्र ईसा मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। रोमियों का पत्र दिया 1:1। पौलुस ने पत्र यह संदेश देने के लिए लिखा कि ईसा मसीह में विश्वास करने से मुक्ति मिल सकती है। 10:9। सब बाइबल पंडित भी संत पौलुस को रोमियों के पत्र के लेखक के रूप में अंगीकार करते हैं। पौलुस ने इस पत्र को लिपिबद्ध करने के लिए अपने सचिव तर्तियुस का इस्तेमाल किया। 16:22। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का रचना काल। पौलुस ने रोम की कलीसिया की स्थापना नहीं की थी। संभव है कि पंतकोस्त के पर्व के अवसर पर जो यहूदी क्रिस्तीय बने वे रोम लौटे और उनके द्वारा कलीसिया वहां प्रारंभ हुई थी, लेकिन अधिक संभव है एशिया, मकेदुनिया और यूनान की कलीसियाओं के विश्वासी जिन्होंने पौलुस के द्वारा विश्वास को ग्रहण किया था रोम आए और वहां रहने लगे। उन्होंने रोम में कलीसिया को प्रारंभ किया। माना जाता है कि यह पत्र लगभग 57 ईस्वी में कुरिंथ में रोम के क्रिस्तीय समुदाय के लिए लिखा गया था। 1:7। पौलुस 3 महीनों तक अकेया अर्थात कुरिंथ के बंदरगाह केकये में रहा और यह पत्र संभवतः वहां से लिखा गया था। प्रेरित चरित्र 20:3-6। यरूशलेम के गरीब मसीहियों को आर्थिक सहायता करने के लिए केकये से निकलने के पहले उसने यह पत्र लिखा। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, रोमियों के पत्र में क्रिस्त। पौलुस ईसा मसीह को दूसरे आदम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मसीह की धार्मिकता और मानव जाति के पापों के लिए उनकी मृत्यु ने उन सबको मुक्ति दी है जिन्होंने उनमें विश्वास किया है। ईश्वर के क्रोध और पाप का दंड अपने ऊपर लेने के कारण वह अपनी धार्मिकता पापी मानव को एक मुफ्त देन के रूप में दे देते हैं। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान ही विश्वास करने वालों के उद्धार, कृपा प्राप्ति, मेल मिलाप, मुक्ति एवं महिमा प्राप्ति का आधार है। अब हम छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है ईश्वर की धार्मिकता। यह रोमी 1:16-17 में दिया गया है। ईश्वर क्रिस्त में विश्वास द्वारा मनुष्यों को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। रोमी 1:17।
मुख्य पद है अध्याय 1 16 और 17, अध्याय 3 21 से 25 तक। अध्याय 1 16 17 में लिखा गया है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं। यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। और दूसरी मुख्य आयतें हैं अध्याय 3 21 से 25 तक। यहां भी लिखा है, ईश्वर का मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्षी दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। यह मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्याय प्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। और पत्र का मुख्य अध्याय है रोमी 6-8 तक। हमारे आत्मिक जीवन की जो बुनियादी शिक्षा है वह हमें इन अध्यायों में मिलती है। किस प्रकार हम पापों से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार हम ईश्वर की कृपा में एक संतुलित जीवन जी सकते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से एक विजयी क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं, इन सवालों का जवाब हम इन अध्यायों में पा सकते हैं। 7वां मुख्य बिंदु है पत्र का सर्वेक्षण। 4 सुसमाचार ईसा की शिक्षा एवं कार्यों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन रोमियों का पत्र, जिसे पौलुस के अनुसार सुसमाचार कहा जा सकता है, ईसा की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के महत्व पर गहराई से प्रकाश डालता है। पत्र को 7 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना अध्याय 1-17। इसमें पौलुस का अभिवादन है और वह रोम में प्रेरिताई कार्य करने की इच्छा प्रकट करते हैं अध्याय 1-15। पत्र का मुख्य विषय मुक्ति, सत्य प्रतिज्ञा और विश्वास भी दिया गया है अध्याय 1-16-17। दूसरा भाग है विश्वास के अभाव में मानव जाति खो जाएगी अध्याय 1:18-3:20 तक। यहां गैर यहूदियों का पापाचरण और उसके परिणाम दिए गए हैं अध्याय 1:18-32। यहूदी भी दोषी है क्योंकि वे संहिता का पालन नहीं करते हैं अध्याय 2:1-29 तक। यहूदी और गैर यहूदी दोनों पाप के अधीन है क्योंकि कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, सभी भटक गए, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं अध्याय 3:1-20 तक। तीसरा भाग है क्रिस्त में विश्वास द्वारा पाप मुक्ति अध्याय 3:21-5:21 तक। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य विषय है मनुष्य की जरूरत के लिए ईश्वर का क्या प्रबंध है। इसमें प्रथम 11 वाक्य पूरे पत्र का केंद्र है अध्याय 3:21-31 तक, जो हमें यह बताता है कि क्रिस्त में ईश्वर न्यायकर्ता और मुक्तिदाता है।
पाप मुक्ति ईश्वर की कृपा द्वारा, रक्त द्वारा और विश्वास द्वारा होती है। अध्याय 3:21-31 तक। अध्याय 4 कहता है कि पाप मुक्ति कर्मों द्वारा नहीं बल्कि विश्वास द्वारा प्राप्त होती है। इब्राहिम अपने कर्मों के कारण नहीं बल्कि विश्वास द्वारा धार्मिक माना गया। विश्वास द्वारा हमें पाप मुक्ति मिली है और हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। अध्याय 5:1-11 तक। आगे चलकर पौलुस दो आदम और उनके कर्मों के विपरीत परिणामों की तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। अध्याय 5:12-21 तक। चौथा भाग है पाप मुक्ति और क्रिस्तीय जीवन। अध्याय 6:1-8 अध्याय 8:39 तक। अध्याय 6 द्वारा पौलुस कहते हैं कि बपतिस्मा द्वारा हम क्रिस्त के साथ दफनाए गए हैं और उनके साथ जी उठे हैं। इस प्रकार हमने पाप और मृत्यु पर विजय पाई है। पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में आनंद जीवन। अध्याय 6:1-23। क्रिस्त में विश्वास करने के कारण हम मूसा संहिता से मुक्त हो गए हैं। अध्याय 7। अध्याय 8 में पौलुस पवित्र आत्मा के कार्यों पर प्रकाश डालता है। पवित्र आत्मा हर विश्वासी में निवास करता है, उसे पवित्र करता है और उसे अपना सामर्थ्य प्रदान करता है। अध्याय 8:1-17। ईश्वर ने जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया है और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमानित भी किया है। अध्याय 8:18-39 तक। पत्र का पांचवा भाग है ईश्वर की योजना में यहूदी एवं गैर यहूदी। अध्याय 9:11। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल का परित्याग किया है, लेकिन वास्तव में इज़राइल ने अपने मसीह का तिरस्कार किया है। ईश्वर द्वारा इज़राइल का तिरस्कार आंशिक और अल्पकालिक है। पौलुस कई बार पुराने विधान के उद्धरणों का इस्तेमाल करता है और कहता है कि ईश्वर अपने विधान के प्रति वफादार रहेंगे और इज़राइल का पुनरुद्धार करेगा। छठवा भाग है क्रिस्तियों के कर्तव्य। अध्याय 12:1-13 तक। पौलुस इस बात का अंगीकार करता है कि विश्वास के आधार पर आचरण का निर्माण होना है। पहले 11 अध्याय में जिस मुक्ति की चर्चा की गई है वह मुक्ति क्रिस्तीय के जीवन को बदले, ईश्वर के प्रति। अध्याय 12:1-2 समाज के प्रति। अध्याय 12:3-21 अधिकारियों के प्रति। 13:1-7 और अपने पड़ोसियों के प्रति। 13:8-14। अध्याय 14:15 में पौलुस क्रिस्तीय आजादी पर प्रकाश डालता है। हमारी आजादी दूसरों के लिए पाप का कारण ना बने बल्कि वह भ्रातृ प्रेम से प्रेरित हो। हम में प्रत्येक को अपने पड़ोसी की भलाई तथा चरित्र निर्माण के लिए उसे प्रसन्न करने का ध्यान रखना चाहिए। मसीह ने भी अपने सुख का ध्यान नहीं रखा। अध्याय 15:1-13। सातवां भाग है उपसंहार। अध्याय 15:14-16:27 तक। एक परिवर्तित जीवन हमारी मुक्ति के लिए शर्त नहीं बल्कि हमारे मुक्तिदायी विश्वास का परिणाम है। अंत में पौलुस अपनी भावी योजनाओं पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अध्याय 15:14-33 बहुतों को व्यक्तिगत नमस्कार करते हैं। अध्याय 16:1-16
फूट डालने वालों से सावधान रखने की चेतावनी देते हैं। 16:17-23 और ईश्वर को ईसा मसीह द्वारा महिमा देते हुए पत्र समाप्त करता है, अध्याय 16:24-27 तक। अब हम 8वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, रोमियों के पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली मुख्य शिक्षा यह है, हम ईसा मसीह में पाप से मुक्ति पाते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम सबके सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम अब कैसे पाप में जीते रहेंगे, अध्याय 6:2। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिसे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, अध्याय 6:6। अब हम लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा, अध्याय 6:14। दूसरी मुख्य शिक्षा है, हम धार्मिकता के दास बने हैं। हम लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से प्रभु के मार्ग पर चलने लगे, इसलिए हम पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। अब हमें अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिसे वह पवित्र हो जाए, अध्याय 6:17-19 तक। तीसरी मुख्य शिक्षा है, हम ईसा मसीह के हो गए हैं और इसलिए कोई दंडाज्ञा नहीं है। पौलुस कहते हैं, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं, जो मृतकों में से जी उठे। यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें, अध्याय 7:4। जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त है, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, अध्याय 8:1। चौथी मुख्य शिक्षा है, हम ईश्वर की संतान है और उसकी विरासत के भागी है। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम ईश्वर की संतान है, तो हम उसकी विरासत के भागी है। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी है। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं, तो हम उनके साथ महिमानित होंगे, अध्याय 8:16-17। पांचवी मुख्य शिक्षा है, हमें मसीह के प्रेम से कुछ भी वंचित नहीं कर सकता है। पौलुस पूछते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, अध्याय 8:35। वो कहते हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है, अध्याय 8:38-39 तक। रोमियों के पत्र की शिक्षा, दूसरों पर दोष ना लगाओ। आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, अध्याय 14:10। हमें हरेक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा, इसलिए हम आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि यह निश्चय कर ले कि हम अपने भाई के मार्ग में ना तो रोड़ा अटकाएंगे और ना ठोकर लगाएंगे, अध्याय 14:12-13। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने रोमियों के पत्र का अध्ययन किया है। मेरी आशा है इस पत्र को और अच्छी तरह समझने के लिए आपको मदद मिली है। आप अभी उस पत्र का अध्ययन करें और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करें और पत्र को अच्छी तरह समझ सकें और उन वचनों पर चल सकें। सबको जय यीशु।